मैं यहाँ इस विश्वविद्यालय के सैकड़ों भाई बहनों का, बल्कि मैं कहूँगी लाखों भाई बहनों के अनुभव की बात बताना चाहती हूँ कि अगर इन निष्कर्ष बिंदुओं को पहले हम अपने पर्सनल कैपेसिटी के क्षेत्र में धारण करें, हमारा अपना व्यक्तिगत जीवन जहाँ हम अपनी कैपेसिटी से काम करते हैं उसमें हम इन विचार बिंदुओं को धारण करें, स्थायी करें, आप अनुभव करेंगे कि जब दृढ़ता से आप अपने जीवन में इसको धारण करेंगे और आपका अपना व्यक्तित्व उस प्रकार का बनता जाएगा, तो फिर आपको वो विधि, वो टैक्ट आएगी कि आप अपने कार्य क्षेत्र में कैसे इसको अप्लाई करें। इसकी शुरुआत हम अपने जीवन से करें और सचमुच आप इन श्रेष्ठ विचारों के, मूल्यों के ऐसे पर्सनालिटी बन जाएंगे और क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्लियर इंटेलेक्ट हमें प्राप्त होती है, जो वो विधि हमें आ जाएगी कि हम उन सत्यों को किस विधि से समाज के आगे रखें ताकि हमारे सामने कोई भय भी न रहे और कोई बात भी न रहे। ये आप स्वयं अनुभव करके देखेंगे। अब मैं आमंत्रित करती हूँ शिमला से पधारी हुई डॉक्टर वीरबाला अग्रवाल जी को, जो कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म में प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रही हैं। आज के सत्र की आप अतिथि विशेष हैं, हम उनके विचार सुनते हैं। डॉक्टर वीरबाला अग्रवाल, हाथ जोड़ वंदन करूं, धरूं चरण पर शीश, ज्ञान भक्ति मोह दीजियो परम पुरुष जगदीश। जो कुछ दीना आपने भेंट धरूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट धरूं, जोड़ू मैं दोनों हाथ। मैं तो एक टीचर हूँ, टीचर का काम तो होता है कि लेक्चर ही देता रहता है, पर मैं यहाँ लेक्चर देने के लिए नहीं आई। 3 दिन के स्तर में दादी माँ और सब यहाँ जो उपस्थित हैं उनसे कहना चाहती हूँ कि यहाँ इतना स्नेह मिला है, इतना स्नेह मिला है कि मन भर आता है, कुछ कहने को नहीं बचता। रोज़ सुनते आ रहे हैं हम, मीडिया के बारे में कहते हैं मीडिया ऐसा है वैसा है, वो ठीक है। हम स्टूडेंट्स भी जब क्लास में आते हैं तो पहले उनको बोलते हैं, जब एंट्री करते हैं, जब हम एडमिशन करते हैं उनका तो इंटरव्यू होता है, हम कहते हैं व्हाई आर यू जॉइनिंग दिस प्रोफेशन मैडम, बिकॉज ऑफ दिस ग्लैमर एंड चैलेंज। भाई व्हाई ग्लैमर, कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, बड़े बड़े लोगों से मिलेंगे और उसके जो रेप्रिकेशन है वो नहीं महसूस करते। उनके दिमाग में आता है कि शायद बहुत ये अच्छा प्रोफेशन है, बहुत इसमें ग्लैमर है, उसकी चुनौतियों को वो समझते नहीं हैं, पर इसमें बहुत चुनौतियां हैं इस प्रोफेशन में, अगर रियली इस प्रोफेशन में काम करना है। आएंगे क्लास में, अपने अपने बैच लगा के आएंगे, शुरू शुरू में आएंगे, किसी का ABP का लगा होगा, किसी का SFI का लगा होगा, किसी के NSUI का लगा होगा, तो हम उसको पहले जो हम उसको लेसन देते हैं कि आप प्लीज़ यू आर अ स्टूडेंट फर्स्ट, लीडर आफ्टरवर्ड्स, इन द क्लास यू आर अ स्टूडेंट। आपने पॉलिटिक्स करनी है तो गो आउट, बाद में जाके करिए, बाहर जाके करिए, पहले अपने ये बैचेस उतार दीजिए। एंड फर्स्ट थिंग आई टेल देम, प्लीज़ डोंट टेल लाई इन माई क्लास, इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू अटेंड द क्लास don't attend it, but don't tell life. If you are sitting in the coffee house,
यू टेल मी आई वॉन्ट टू गो टू द कॉफी हाउस बट डोंट टेल लाई इन माई क्लास. तो स्टूडेंट्स इतने कई दफ़ा कोऑपरेटिव हो जाते हैं, बहुत कोऑपरेटिव हो जाते हैं कि फिर उनका झूठ बोलने का मन भी नहीं करता कि हम उनको झूठ, मैडम को झूठ बोलें या हम किसी टीचर को झूठ बोलें जब हमें इतनी लिबर्टी दे दी गई है. तो ये सारी संस्कारों की बात होती है. हमारे घर में क्या है कि हमने जब भी हम खाना खाते हैं हमने कुछ कैसेट्स जो है रामायण की रिकॉर्ड कर रखी हैं. तो हम खाना खाते वक्त हम चाहते हैं कि हमारे घर में ऐसा एटमोसफियर हो कि किसी का भी जो है कोई ग्रज ना हो, किसी का मुंह टेढ़ा ना हो, कुछ ऐसा ना हो. तो हम क्या करते हैं, तो गीता की कैसेट्स लगाते हैं या ये रामायण की जब कैसेट्स लगाते हैं जब कृष्ण जी और सुधामा का आपस में वो दिखाते हैं तो खाना खाते खाते हम वो ही देखते हैं. तो संस्कार भरने की बात होती है. एज अ टीचर तो स्टूडेंट्स में संस्कार भरना है. अब जैसे मीडिया में होता है, मीडिया में क्या था, हमें याद है जब ये अर्थक्वेक अहमदाबाद में आया या रामपुर में हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आई, अभी क्लाउड बस्ट हुआ, तो लोगों को मीडिया इज़ अ वेरी पावरफुल. लोगों को ऐसे उन्हें दिखाया गया, मीडिया में ऐसा दिखाया गया कि सबके इतनी फीलिंग्स उनमें क्रिएट हो गई, उनका मन भर आया कि हम अभी ही चले उनकी हम कुछ सेवा करें, कुछ दान करें. तो ऐसे ही हम इनको मीडिया में भी जो काम कर रहे हैं उनमें ऐसी फीलिंग धीरे धीरे आती जाए. मेरे को नहीं लगता कि मीडिया कोई नेगेटिव रोल भी प्ले कर सकता है. ये सारी संस्कारों की बात है. हम पैसे के पीछे तो भागते हैं, हमें पैसा वो चीज़ नहीं देता जब हम किसी के रोते हुए के आंसू पहुँचते हैं. जो चीज़ हमें वहाँ मिलती है वो हमें पैसे से नहीं मिलती है. तो हमारी तो यही फीलिंग है कि अगर ऐसा भी हम पॉजिटिव रोल मीडिया प्ले करता है तो हम नेगेटिविटी तो इसमें होने का सवाल ही नहीं है. ठीक है, प्रोपराइटर है उनका अपना है. अब हमारे भी स्टूडेंट्स आते हैं, स्ट्रिंगर जाते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है हमें तो अर्न करना है. एक आर्टिकल छपा था इसमें, पेपर में, ट्रिब्यून में छपा था, एमवी कामत बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हुए हैं, उनका आर्टिकल छपा था एंड ही वॉज इंटरव्यूइंग अ पर्सन. बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ आए तो उन्होंने पूछा कि बच्चे बताओ इफ़ यू आर सिलेक्टेड हाउ मच पे यू वॉन्ट. कहता सर आई डोंट वॉन्ट द पे बट यू टेल मी हाउ मच यू वॉन्ट फ्रॉम मी. ये इकोनॉमिक टाइम्स की बात है, इकोनॉमिक टाइम्स के लिए इंटरव्यू जब हो रहा था तो तब उसकी बात है. तो उसमें संस्कार भरने की बात है कि ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन हो गया है पेपर में तो आप मीडिया को या पेपर को पैसा दें, और ये पैसा कहीं से तो अर्न करेंगे आप, चाहे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाए या कहीं जाए आपको पैसा मिले, आप पॉकेट में डालें और उनकी फेवर में खबर लिखें, ऐसा नहीं. हमें तो शुरू से ही उनके संस्कारों को चेंज करना है. तो मैं यहाँ आपसे भी अनुरोध करूँगी कि कभी हो सके तो उधर भी हमारे ऐसे जैसे आर्ट ऑफ लिविंग वाले लेक्चर्स देते हैं, कभी ऐसा कोई हो जाए कभी कभार लेक्चर्स, तो स्टूडेंट्स की भावनाओं को, क्योंकि यंग ब्लड होता है तो बड़ी जल्दी उनको चेंज हो सकता है, तो कभी कभार ऐसे कुछ हो जाए तो मैं आपके बहुत आभारी होंगी. विद्यालय तो विविध सेवाओं के लिए हमेशा तैयार रहता है. मैं बहन जी से कहूँगी कि शिमला में भी हमारा बहुत अच्छा सेवा केंद्र है, अगर आप विद्यालय के भाई बहनों को आमंत्रित करेंगे तो ज़रूर वहाँ आकर भी वो अपनी सेवाएं दे सकते हैं. अब मैं आमंत्रित करती हूँ विवेक भाई को कि वे अपनी काव्यात्मक शैली में अपनी शायरी और नज़म के द्वारा इस कार्यक्रम के प्रति अपनी रचनाएं पेश करें. आप इस विश्वविद्यालय के मीडिया विंग के द्वारा गुड न्यूज़ VCD मैगज़ीन जो चल रहा है उनके एडिटर हैं ब्राता विवेक भाई. ओम शांति. मेरे प्यारे भाई और बहनों,
जो आज का टॉपिक है इस पर मैं अपनी एक कविता और चंद शेर कहना चाहूँगा। जब एनलाइटनमेंट की बात आती है तो ध्यान दीपक की ओर जाता है, और कुछ डर की भी बात कह रहे थे अभी पीछे वक्ता, तो मैं एक शेर पहले कहना चाहूँगा कि दीपक कभी कहता नहीं मैं ना जलूँगा, कि दीपक कभी कहता नहीं मैं ना जलूँगा हर और अंधेरा है, दीपक कभी कहता नहीं मैं ना जलूँगा हर और अंधेरा है, हर और काली माँ ने मुझे घेरा है, हर और काली माँ ने मुझे घेरा है, उसे प्रकाश देना है वो जलता चला जाता है, उसे प्रकाश देना है वो जलता चला जाता है, जिसकी जो राह है दोस्त वो उस पे चलता चला जाता है। और मुझे आशा और विश्वास है कि हमें और हमारी कलम को इस संगोष्ठी से राह मिल गई है। एक कविता कहना चाहूँगा कि जहाँ मिलते दिखते ये धरती गगन, जहाँ मिलते दिखते ये धरती गगन, वहाँ जाएँ तो मिलते हैं और कहीं, कि वहाँ जाएँ तो मिलते हैं और कहीं, आसमां आगे और भी है न रुक जाना किसी मोड़ पे कहीं, रहने से ज़्यादा है कि जीकर देखें, कि दुनिया में रहने से ज़्यादा है कि जीकर देखें, अभिमान के प्याले छोड़कर किसी के दुख दर्द पीकर देखें, बन जाएँ भरपूर वृक्ष की डाली, कि बन जाएँ भरपूर वृक्ष की डाली, खुदी को कब झुका कर देखें, जो झुक गया हो आगे उसे गले से लगा कर देखें, ना देखें किसी को रूखी नज़रों से, ना देखें कभी किसी को रूखी नज़रों से, कि देखकर ज़रा सा मुस्कुरा दें, देखकर ज़रा सा मुस्कुरा दें, शायद अंधेरी हो जिंदगी किसी की, मुस्कुराहट का हम एक चाँद तो सजा दें, सब जिए खुशी से दुनिया में, सुख से दुनिया में, शांति से दुनिया में, सब जिए खुशी से दुनिया में, नहीं रह सकते यहाँ अकेले हम ही, कि नहीं रह सकते यहाँ अकेले हम ही, आसमां आगे बहुत और है, जहाँ मिलते दिखते ये गगन जमी, जहाँ मिलते दिखते ये गगन जमी। और यही हम सीख रहे हैं। यहाँ पर एक शेर कहना चाहूँगा कि जैसे कविता जब निखरती है तो गीत हो जाती है, कि कविता जब निखरती है तो गीत हो जाती है, भावना जब निखरती है तो प्रीत हो जाती है, और ज़िंदगी जब निखरती है तो पीस, हारमनी और संगीत हो जाती है, संगीत हो जाती है। आप सभी अभी जाने वाले हैं, मैं इस घर से मेरा ताल्लुक़ है, तो अंत में मैं आप सबके लिए एक शेर कहना चाहूँगा। आपका अपना घर है वैसे, लेकिन फिर भी एक बात कहना चाहूँगा कि जाते मुसाफिरों को क्या मालूम, जाते मुसाफिरों को क्या मालूम, कि रास्ते के पत्थर भी उनसे कभी कभी मोहब्बत की चोट खाते हैं, जाते मुसाफिरों को क्या मालूम, कि रास्ते के पत्थर भी उनसे कभी कभी मोहब्बत की चोट खाते हैं, आप साल होने से पहले आना, क्योंकि साल बाद तो मौसम भी लौट आते हैं, मौसम भी लौट आते हैं। इस घर के लिए हमारी दादियाँ बैठी हैं, दादी जी बैठे, तो एक दो लाइनें कहना चाहूँगा, फिर आपसे मैं इजाज़त लूँगा। कि ये वो दर है जहाँ आके तकदीरें बदल जाती हैं, कि ये वो दर है जहाँ आके तकदीरें बदल जाती हैं, चले जो सीधा इस राह पे तो टूटी किस्मत की लकीरें बदल जाती हैं, और यहाँ सफ़ेद रंग में वो ताकत है जो बिगड़ी ज़िंदगी की तस्वीरें बदल जाती हैं, बिगड़ी ज़िंदगी की तस्वीरें बदल जाती हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर विवेक भाई ने शायरी कविता के माध्यम से बहुत अच्छी भावनात्मक बातें हमारे सामने रखी। आज के समापन सत्र के चेयरपर्सन ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय भाई जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे अपना अध्यक्षीय प्रवचन हम सबके सामने रखें। आप राजयोगा फाउंडेशन के अंतर्गत एजुकेशन विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं। शुरू से ही आपका व्यक्तित्व बहुत ही उत्साही और सेवाभावी रहा है। विद्यालय के इतिहास में विभिन्न सेवाओं के लिए आप
जिम्मेवार बनकर आगे आते रहे हैं। तो हम सुनते हैं भाई साहब को, मृत्युंजय भाई जी। परम शिक्षक, परम सद्गुरु, परम पिता को याद करते हुए नई विश्व की नींव प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को प्रणाम करते हुए ज्ञान रत्नों से सुशोभित परम आदरणीय दारिद रतन मोहनी जी, परम आदरणीय व्रत ओम प्रकाश भाई जी, सभा में उपस्थित मीडिया के विशेष व्यक्ति गण, प्रिय कोठारी साहब, जय किशन साहब, आदरणीय बहन गीता बहन, अवतार भाई और भारतवर्ष से आए हुए पत्रकारिता में जुड़े हुए मेरे प्रिय आदरणीय भाइयों और बहनों, मैं इस समारंभ में आने के पूर्व विचार नहीं किया था, फिर भी मेरा आदरणीय भ्राता ओम प्रकाश भाई, करुणा भाई, शांतनु भाई मुझे प्रेरित किया आज कैसे भी करके इस सेशन में आना है। मैं उनके आग्रह को, उनकी प्रेम को, उसकी स्नेह को स्वीकार करते हुए मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, मीडिया वालों ने एक बात की बहुत गौरव रीति से स्वीकार किया है, इस समाज एक संकट परिस्थिति में गुजर रहा है और इस संकट परिस्थिति में परिवर्तन करने के लिए मीडिया भी एक विशेष रोल अदा कर सकते हैं, इस बात को उन्होंने महसूस करके एक रेजोल्यूशन कंक्लूजन में उन्होंने अपने आप को एक कंक्लूजन स्वीकार किया, इसके लिए मैं आप सबको बहुत 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 बधाई देता हूँ। मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इतिहास की कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आरम्भ के समय में कलकत्ता में एक विश्वामित्र पेपर था, उसका एडिटर पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के बारे में, उनकी व्यक्तित्व के बारे में, उनकी चरित्र के बारे में, उनकी कार्य के शैली के बारे में बहुत नेगेटिव बातें उन्होंने लिखा था। उस लिखने के बाद में नेचुरली किसी व्यक्ति के प्रति, किसी संगठन के प्रति, किसी समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति के प्रति विरोधात्मक बातें, वो असत्य बातें, झूठा बातें जो लिखते हैं तो सब नेचुरली लोगों में एक आक्रोश आता है, स्वाभाविक है। परंतु उस आक्रोश की बात को लेकर के पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के लौकिक पुत्री, वर्तमान समय में ईस्टर्न जोन की इंचार्ज हैं निर्मला बहन, निर्मल शांता दादी जी और अन्य दादियाँ, उस समय में बहनें हम कहेंगे, बहनें पेपर लेकर के बाबा के पास गए और बाबा को पत्र को पेपर दिखाया, दिखाने के बाद में अपने अपने विचार दिया, उसमें कुछ विचार ये भी निकला इस पत्रकारिता के ऊपर व उस एडिटर के ऊपर एक केस दाखिल किया जाए, ये तो डिफॉर्मेशन केस दाखिल करने की इन्होंने सूचित किया। ये तो हर व्यक्ति सोचता है, बाबा ने उस समय उनकी क्या जवाब दे सकता है आप बता सकते हैं, हैं? बता सकते हैं, क्योंकि आज की टॉपिक है स्पिरिचुअली एम्पावर्ड एंड एनलाइटेंड मीडिया कैन ओनली बी अ गाइड टू द सोसाइटी। मैं उस संदर्भ में इस बात को आपको कहना चाहता हूँ, उस समय में पिताश्री जी ने ये बात कही अपने बच्चों को, बहनों को, बाप कभी बच्चों के ऊपर केस नहीं कर सकते, बाप कभी बच्चों के ऊपर केस नहीं कर सकते, भले वो बच्चे हैं ना, तो एडिटर भी हो वो तो पिता ही है, मानवता की पिता है, वैल्यूज की पिता है, धर्म की पिता है, ज्ञान की पिता है, सेवा के पिता है, वो पिता उनके ऊपर एक लांछन करके, आरोप करके, अश्लीलता को लेकर के, और क्योंकि संगठन में करीब 300
कुमारी व बहन भाई लोग आकर आ गए, वो संगठन में जुड़ गए और उस संगठन को लेकर के उन्होंने बहुत विचार लिखा था, परंतु बाबा ने उनके प्रति इतना ही क्षमा भाव, दया भाव, प्रेम भाव, करुणा भाव, इस भाव को उन्होंने प्रकट किया। वही व्यक्ति 25 साल के बाद में माउंट आबू में भी आए और यहाँ के स्थान को भी देखा, यहाँ की कार्यशैली को भी देखा, यहाँ की भाई बहनों का जीवन को भी देखा और यहाँ की भविष्य की दृष्टिकोण को भी देखा। देखने के बाद में आधा पेज आर्टिकल उसने भी लिखा। मैं इस बात इसके लिए कह रहा हूँ, आप सभी उस पिताश्री जी की याद का प्रतीक के रूप में आज यहाँ उपस्थित हैं। हम ऐसे स्थान पर खड़े हैं, वी आर इन आइलैंड ऑफ पीस, आइलैंड ऑफ लव, आइलैंड ऑफ नॉलेज, आइलैंड ऑफ विजडम। यहाँ से बाहर देखते हैं, समाज को देखते हैं, इस समाज किस दिशा में, किस डायरेक्शन में चल रहा है, विदर दिस वर्ल्ड इज मूविंग, इस समाज किस तरफ जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा महसूस करता हूँ, द वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स नंबर वन कम्युनलाइजेशन, नंबर टू द वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स कमर्शियलाइजेशन, द वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स क्रिमिनलाइजेशन, द वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स न्यूक्लियराइजेशन, द वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स डिग्रेडेशन। ऐसी परिस्थिति में कल भी हमारा आदरणीय ओम प्रकाश जी, अन्य भाई लोग कह रहे थे, इस समाज के चार पिलर्स हैं, उस पिलर में एक पिलर पत्रकारिता भी है, मीडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द पिलर, ऑल दिस पिलर्स आर ट्रम्बलिंग टू मी। ये चारों पिलर जो है वर्तमान समय में देखा जाए लोभ प्रलोभन के प्रवाह में जूझ रहे, उनके अस्तित्व का ही खतरा पैदा हो चुका है। पॉलिटिक्स के अपने अस्तित्व की बचाव के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, धर्म की अपने अस्तित्व की बचाव के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और जो जुडिशियली है, जुडिशियल जो सत्यता को प्रत्यक्ष करने के लिए, सत्यता को कायम करने के लिए, सत्यता को प्रचार करने के लिए, सत्यता को अपहोल्ड करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है, दैट इटसेल्फ इज एन ए विक्टिम। नाउ द लीगल सिस्टम है बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इलीगलाइजेशन ऑफ अनराइटियसनेस। ऐसी परिस्थिति में है क्योंकि आप लॉयर को खरीद कर सकते हैं, वकील को खरीद कर सकते हैं, जज को खरीद कर सकते हैं, बिक सकते हैं, ऐसी परिस्थिति है। ऐसी परिस्थिति में लोभ और प्रलोभन के चक्कर में, इस चक्रव्यूह में जो मनुष्य आत्मा जूझ रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में एक मीडिया को एक नया आयाम, एक नया रोल करना होगा। कल भी कह रहे थे, मीडिया इज फॉर इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, एनलाइटमेंट, एम्पावरमेंट, एनरिचमेंट, इट इज ट्रू, प्रोवाइडेड दे प्ले द रोल, प्रोवाइडेड दे बिकम स्पिरिचुअली एम्पावर्ड। क्योंकि अभी भी महापात्र जी कह रहे थे, पेन इज माइटियर दैन स्वॉर्ड, आई एग्री, बट पेन इज नॉट माइटियर दैन स्वॉर्ड, प्यूरिटी इज माइटियर दैन पेन, प्यूरिटी ऑफ माइंड इज माइटियर दैन मिसाइल, इट इज माइटियर दैन मिशन, इट इज माइटियर दैन गन, इट इज माइटियर दैन एनी अदर कल्चर, दैट इज ओनली द स्पिरिचुअल कल्चर, वी मेक इट एज प्यूरिटी एज अवर वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ लुकिंग, वे ऑफ थिंक, ऑल दिस थिंग्स, तब तो मनुष्य के समाज को उत्थान कर सकते हैं। सो ऑल्सो पीस ऑफ माइंड इज ग्रेटर दैन द गौरी शंकर, द माउंटन्स, ट्रूथ इज मोर पावरफुल दैन ए रिवर, लव इज मोर पावरफुल दैन एनी अदर फोर्सेस इन द वर्ल्ड, इट मे बी मच पावरफुल दैन सदाम हुसैन का हो, वह जॉर्ज बुश का हो, चाहे किसी भी शक्ति हो, प्रेम के सामने झुकना ही होगा। परंतु इस
वास्तविक मूल तत्वों को व सिद्धांतों को व वैल्यूओं को व जीवन में अपनाने में हम लोग इसके लिए समय नहीं मिलता है, उसके बारे में सोचने के लिए समय नहीं मिलता है, उसके बारे में इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए समय नहीं मिलता है, इसके बारे में डायलॉग करने के लिए समय नहीं मिलता है, दूसरी सभी बातों को पर चिंतन करने के लिए हमारे पास समय है। इसके लिए मैं इतना ही कहेंगे, आई एम वेरी हैप्पी मीडिया हैव एक्सेप्टेड देयर इम्पॉर्टेंट रोल। मेरा आदरणीय मैंने बहुत अच्छी बात कही, जब गुजरात में भूकंप हुआ था वह अभी हिमाचल प्रदेश में घटना हुई थी बारिश के कारण, लोगों को जागृत लाने में और उस समाज को जोड़ने के सारे विश्व को जोड़ने में अमेरिका से सारे वर्ल्ड से उनको मदद मिली, परंतु एक काम में तो मीडिया इन्होंने एक्सेप्ट किया, जब सारी सोसाइटी को क्रिमिनलाइजेशन के प्रोसेस में जॉर्ज बुश ने फंसाया तब उसको जागृत करने में मीडिया विफल हुई। परंतु आगे के लिए वी कैन हैव ए होप बिकॉज वी ऑल लिव ऑन होप, ऐसी होप लेकर के समाज को हम दिशा देना है, और ऐसी दिशा देने में सबसे पहले आप सबके अंदर स्पिरिचुअलाइजेशन, मॉरलाइजेशन, ह्यूमनाइजेशन, डिविनाइजेशन होना चाहिए। डिविनाइजेशन ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मूल उद्देश्य है, हर व्यक्ति को हर आत्मा को डिविनाइज करना। जब तक हम खुद डिविनाइज नहीं होंगी, स्पिरिचुअलाइज नहीं होंगी, स्पिरिचुअली एम्पावर्ड नहीं होंगी, स्पिरिचुअली एनलाइटेंड नहीं होंगी, तब समाज को दिशा देने में विफल होगी। समाज को क्या खुद को भी, आज हर व्यक्ति के चाहे बच्चा हो चाहे बुढ़ा हो, चाहे शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, चाहे विद्यावान धनवान हो और शक्तिशाली हो, मीडिया में भी बहुत पावरफुल है। आई हैव सीन पीपल राइजिंग फ्रॉम एन ऑर्डिनरी करस्पॉन्डेंट टू ए चीफ एडिटर स्टेटस एंड कम चीफ एडिटर स्टेटस टू गोइंग डाउन ऑल्सो। आई हैव सीन इन माई लाइफ मैनी पीपल, क्यों उनकी जीवन में सत्यता की शक्ति कम हो गई, इन्होंने व्यापारीकरण में फंस गए, लोभ और प्रलोभन में डूब गए, उसके परिणाम उन्होंने अपने जिंदगी की अंतिम घड़ी में भी नीचे उतरना पड़ा। ऐसा मैंने बहुत लोगों को देखा इस जीवन। परंतु यदि जीवन में शाश्वत सुख है, शाश्वत शांति है, शाश्वत समाज की सेवा है, तो पिताश्री जी के कदम पर हमको भी कदम रखना होगा। पिताश्री जी, हम बच्चों को इस संस्कार में, इस शिक्षा में, इस दिशा में हम लोगों को एक विजन दिया, और विजन का परिणाम ही आज ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक प्रगति की नया दिशा लेकर के, एक नया विजन लेकर के, नया सेवा दृष्टिकोण लेकर के समाज में उतरे। ऐसे उतरने के लिए आप सबका स्वागत है, आप सबका हार्दिक स्वागत है, और आप भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो पिताश्री जी ने एक विजन देखा है, विश्व के लिए प्रति एक विजन है, उसको विशेष करके भारत के लिए विजन है, भारत को एक दैवी स्वराज्य बनाना, दैवी राज्य बनाना। आज तुम कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, भले भीष्म पितामह भी है, द्रोणाचार्य भी है, कृपाचार्य भी है, दुर्योधन भी है, जो सरकार चलाने वाले जो है धृतराष्ट्र है, सारी राष्ट्र धृतराष्ट्र है। एक अंधा भी एक देश को अंधा बना दिया था, परंतु सारी देश एक अंधों की राज है, धृतराष्ट्र है। ऐसी परिस्थिति में एक नया विजन चाहिए, नया विजन। वो नया विजन जो है श्री बाबा ने ब्रह्मा बाबा को आरंभिक दिनों में दिया, और ब्रह्मा बाबा ने इस विजन को सारी समाज के सामने आज प्रस्तुत किया, और उस साइकिल अभी परिवर्तन की वेला में, ऐसी परिवर्तन वेला में हम बच्चों का काम है, व्हाट इज अवर ड्यूटी, व्हाट इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज अवर मॉरल राइट्स, उस मॉरल राइट्स को समझ करके अपने उत्तरदायित्व, अपने समाज को किस समाज को क्या बनाना चाहिए, हमारा समाज किस रूप में होना चाहिए, हमारा समाज में लोग कैसे होना चाहिए, हमारा समाज में लोगों के संस्कार क्या होना चाहिए, हमारा समाज की भद्रता की क्या यूनिटी में क्या फाउंडेशन है। इट इज द लॉ कैन नॉट यूनाइट द ह्यूमैनिटी, इट इज ओनली लव कैन यूनाइट द ह्यूमैनिटी। यू कैन एनैक्ट ए लॉ, यू कैन नॉट यूनाइट द ह्यूमैनिटी, इट इज ओनली द लव कैन यूनाइट द ह्यूमैनिटी, द लव कम फ्रॉम द स्पिरिचुअलिटी।
आध्यात्मिक शक्ति से ही समाज की एकता के सूत्र में बांध सकते हैं, नहीं तो ये डिवीजन होते जा रहे हैं। इसके लिए ऐसी शक्ति को आपके जीवन में जब डिवाइनाइजेशन के प्रोसेस में उतरेंगे और समाज को एक नया दिशा दे सकता है, क्योंकि यू ऑल बिलीव एंड यू हैव अग्रीड एंड यू आर एक्टिंग एज एन एजेंट बिकॉज पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड एंड वी डोंट नीड स्वॉर्ड एट ऑल। नॉट ओनली द माइटियर, वी डोंट नीड द स्वॉर्ड एट ऑल। जब स्वॉर्ड की जरूरत नहीं, मिसाइल की जरूरत नहीं, मशीन की जरूरत नहीं, केवल प्रेम की जरूरत है, स्नेह की जरूरत है, सत्यता की जरूरत है, फियरलेसनेस की जरूरत है, फियरलेसनेस की जरूरत है, उस जरूरत को जीवन में अपनावे। परंतु हम लोग कभी कभी अपने आप को भीकर जाते हैं, क्यों? हम लोगों को इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते। वी डोंट डू मेडिटेशन, वी डोंट डू एक्सेप्ट द स्पिरिचुअलिटी इज अ वे ऑफ लाइफ। इसको जीवन में अपनाएंगे तब मुझे आशा है आपके जीवन में एक नया आशा किरण उदय होगी, समाज में भी एक आशा किरण उदय होगी और पिताश्री जी की विजन है वो रियलिटी होगी। ऐसे रियलिटी को रियल कर्म क्षेत्र में लाने के लिए आप सबको पुनः पुनः स्वागत है इस केंद्र की ओर से, दादी जी की ओर से। मधुबन में आप सबका पुनः पुनः आते रहें। स्पिरिचुअली यू विल बी चार्ज, यू विल बी एम्पावर्ड। With this, I conclude. Om Shanti. Namaste. Brata Mrityunjay Ji ne hame Yudhishthir banne ka sanket diya hai. Adarsh aur vastavikta ke samanvay rup Arjun banne ka nirdesh unhone hame diya hai. संसार युद्ध क्षेत्र में हम अपनी नैतिक हिम्मत न हारें, उसके लिए स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा ने हम सर्व आत्माओं के प्रति जो सत्य ज्ञान दिया है, जिस सत्य ज्ञान को आदरणीय राजयोगिनी दादी रत्न मोहिनी जी ने सन्मुख सुना है, जिस परम शिक्षक से उन्होंने स्वयं अपने जीवन में ज्ञान ग्रहण किया है, अपने आप को शक्तिशाली बनाया है और वो ओम शांति। यह तो आप सबको अभ्यास हो ही गया होगा, फिर से आप सब मिलके प्रेम से इस महामंत्र को बोलेंगे। ओम शांति। सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता की प्यारी संतान, आज आप सबका ये संगठन देखते हुए और यहाँ मंच पर जिन्होंने भी जो जो बातें कही, जो आप सब सुन रहे थे, आपके सुनते सुनते आपके हर्षित मुख चेहरे देखते हुए हमें तो ऐसा ही प्रतीत होने लगा कि अभी आप सभी जिस आध्यात्मिक भूमि पर बैठे हैं, मैं ये नहीं कह सकती बरोबर आप लोगों ने इस बात को अपने अंदर पहचाना है, माना है और उसको अपने अंदर में सचमुच रियलाइज
किया है या नहीं वो मैं नहीं कह सकती कि बरोबर यहाँ जो कुछ बातें हम आपको बता रहे हैं जो कुछ आप यहाँ देख रहे हैं और समझ रहे हैं सुनने से शायद आपके मन में ज़रूर ये ख्याल आता होगा कि यह बातें लगता तो ज़रूर है कि ऊंचे ते ऊंचे बाप की ही बताई हुई है लेकिन इस बात को जितना जितना आप स्वयं अनुभव करेंगे तो जो अभी हमारी आपस में चर्चा हो रही है अथवा जो इस मीडिया कॉन्फ्रेंस का निष्कर्ष निकला है जिससे आप सब सहमत रहे क्योंकि आप सभी ने हाथ उठाया मैं समझती हूँ दिल से स्वीकार करके हुए ही हाथ उठाया होगा अगर दिल से इन बातों को स्वीकार करते हुए हाथ उठाया है तो विवेक कहता है जब सचमुच हम अपने अंदर में अपने लिए यह आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता मानते हैं जिस बात की आवश्यकता मानी जाती है और विशेष स्वयं के प्रति उसके प्रति अपना पुरुषार्थ अभ्यास पूरा अटेंशन और पूरा ही प्रयत्नशील बन जाते हैं आप अपने आप से पूछ लेना मैं समझती हूँ अगर आप अपने अंदर यह दृढ़ संकल्प ले लो वर्तमान समय यह विश्व जिस निशाने पर पहुंचा हुआ है वह निशाना वो ही है जबकि सब विश्व को बदलना है ज़रूर और उस बदलने में जब ऐसा समय होता है जो कार्य निश्चित होना ही है और उस कार्य के अंदर जो जो शामिल हो जाते हैं उनको उसका उत्तरदायित्व मिल ही जाता है और उसके लिए उनके अंदर शक्ति जागृत होती है जबकि वो उस बात को स्वयं महसूस करते हुए और आवश्यक समझते हुए खुद उसमें लग जाते हैं जैसे आप सबको अनुभव है सुनते भी है कई उस समय में खुद प्रैक्टिकल होंगे जब हमारे भारत के बापू गांधी जी ने राम राज्य का दृढ़ संकल्प करते हुए और कितने सुतम सहन किए और कैसी कैसी बातें सामने आई जिसमें भी जहाँ तक हमारा सुना हुआ है मीडिया वालों ने कितना साथ दिया बल्कि सारा भारत भारतवासी मिल कर के उस बात को आवश्यक समझ करके और लग गए चाहे कितना भी उसमें बलिदान देना पड़ा लेकिन आखिरीन भारत के राज को अपने हाथों में ले लिया भले ही हम अभी ये नहीं कहेंगे जिसको राम राज कहा जाता है वह कोई अभी है परंतु वह सच्चा राम राज विश्व पिता अभी बनाने चाहता है जो हम सब की आशा है देखो आप सब भी इस बात को मानते हैं दुनिया ऐसी ऐसी हो रही है जो हमने सुना आपके सेशंस के अंदर कई बातें आलोचना की रही कई बातें
एक दो को सिखाने की रही और उन सब बातों से आप सहमति रहे और जो निष्कर्ष निकला है जिन्हों जिन्हों ने भी मंच पर अभी बोला, जबकि ये बातें हमें अध्यात्मकता को हम वह शक्ति मानते हैं जो असंभव को संभव बना लेती है। उसके लिए स्वयं के अंदर दृढ़ता चाहिए, स्वयं के अंदर वह विश्वास चाहिए, स्वयं के अंदर उसी सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता के लिए प्यार चाहिए। पिता का हम बच्चों के लिए यही कहना है, हे आत्माएं, हे मेरे बच्चे, बहुत काल से दुखी होते आए हो, सुख अगर चाहते हो, अगर शांति चाहते हो, तो वह सच्ची शांति, सच्चा अविनाशी सुख, यह विनाशी नहीं जो आज हमारे को है और कल उसके लिए भटकना पड़ता है। आज और कल का खेल नहीं, परंतु सदा काल के लिए हम अपने अंदर वह सच्ची शांति जो केवल स्वयं के प्रति ही नहीं परंतु सर्वमेव शांति, सर्वमेव एक दो के प्रति प्रेम भावना, सर्व के अंदर एक दो के प्रति शुभ चिंतक भावनाएं, सर्व एक दो को ऐसी ही नजरों से देखे, हम सब एक पिता परमात्मा की संतान, आपस में यह ईश्वरी परिवार है। अगर आप अपने प्रोफेशन के लिए हम कहें तो वास्तव में वर्तमान समय आप अगर अपने अंदर में यह बात निश्चित कर लो, हम तो भगवान के संदेश वाहक हैं। आप सबके द्वारा संदेश सारी जनता को मिलता है। वर्तमान क्या क्या हो रहा है वह इन्फॉर्मेशन तो ठीक है, लेकिन ऐसे वर्तमान में हम कैसे शक्तिशाली रहें जो इन परिस्थितियों को पार करते जाएं और अपने अंदर वह शांति और वह सच्चा सुख जिसकी हम सबको चाहना है, जो हम सब चाहते हैं, वह किस प्रकार हम अपने जीवन में ला सकते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, जिस दिशा पर हम अभी खड़े हैं उस दिशा में ही हम आत्माओं के परम पिता, परम आत्मा, जो हम आत्माओं के पिता हैं, केवल हमें इस बात की आवश्यकता है, जिस बात को हम भारतवासी मानते हैं, जानते भी है और मानते भी है, परंतु उसको अपनाया कैसे जाए, उसका यथार्थ सही सहज मार्ग बताने वाला वही हम आत्माओं का पिता सर्वशक्तिवान परमात्मा है, जिन्होंने हम बहनों को, आप जानते हैं स्त्रियों की जीवन आज के दुनिया में, आज तो फिर भी थोड़ा उनों को कुछ अधिकार है, लेकिन आज से 50-60 वर्ष पहले को याद करो कि माताओं कन्याओं की जीवन क्या थी। अभी भी इतना अधिकार होते भी किस प्रकार के सुतम माताओं पर होते रहते हैं, आप सब बातों को दुनिया को जानते हैं। ऐसी परिस्थिति में
माताओं को शक्तिशाली बनाना ये कोई साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। सर्वशक्तिवान परमात्मा ने फिर से आकर के जो माता गुरु गाई गई हैं उनको फिर से शक्ति स्वरूप माता गुरु वह क्वालिफिकेशंस वह संस्कार और वह दृष्टिकोण जो सर्व के प्रति वह शुभ भावनाएं दिव्य दृष्टिकोण रहे। ये सर्व आत्माएं जो चाहती है अपने में सच्ची शांति, दुनिया दुखी हो रही है, दुख देखते हुए कहने में आता है यह देखा नहीं जाता है, इसका कुछ होना चाहिए। करने वाले कौन? जो भोगने वाले वो ही करने वाले, वो ही उससे निकलना चाहते हैं। आवश्यकता है, आवश्यकता ही जब आवश्यकता में हमें निर्देश मिलता है, राह बताई जाती है, उस राह पे चलना जब हम स्वयं चलते हैं तो वह स्वयं के अनुभव की शक्ति जब हम औरों को बताते हैं उनके ऊपर हमारे अनुभव के शक्ति का प्रभाव रहता है और वो सहज ही उस बात को स्वीकार करते हुए उस पर चलने को तैयार हो जाती है। आप सब इस बात का अनुभव कर रहे हैं, यहाँ का ये वायुमंडल, यहाँ का पवित्रता का प्रभाव क्यों महसूस होता है? परम पवित्र हम आत्माओं के परम पिता परमात्मा जिनके आदेश से ये सारा कार्य चल रहा है और उस कार्य के अंदर ये निश्चित बात है अब कलयुग का अंत, अति धर्म की गिलानी, धर्म का नाम कहते हुए कर्मों को आप जानते हैं जिस कारण धर्म से विश्वास निकल गया है और इसीलिए आज धर्म के शब्द पर आध्यात्मिकता कही जाती है क्योंकि वास्तव में धर्म की परिभाषा आत्मा का स्वधर्म जो परमात्मा पिता ने हम बच्चों को हमारे नियम हमारे गुणों की पहचान हमारे सच्चे स्वरूप का ज्ञान दिया उन्हीं बातों को अगर हम जीवन में जान करके और धारण करते जाएं तो यही हमारे जीवन के अंदर वह कर्म जिसमें कभी पाप न हो, जिस पाप के कारण हमें दुख भोगना पड़े, उन सब बातों से हम छूट जाते हैं। यह बात तो सहज सब जानते ही है। आज मनुष्य के अंदर जिन विकारों ने प्रवेश करके उनको अपने पंजे में फंसा दिया है उनसे छूटना हर एक चाहता है, परंतु हर एक यही कहता है ये तो बड़ा मुश्किल है, आज की दुनिया में ये होना संभव नहीं है। सिर्फ हम इतना ही कहती हैं जिस बात को हम सब ने स्वीकार किया है, जो बात हम सब मानते हैं और आवश्यक समझ रहे हैं, जिसको हम यहाँ होने पर महसूस करते हैं, उसके प्रति
फिर से थोड़ा आपस में कोई भी थोड़े से भी फिर मिल कर के अगर उसी प्रकार से आपस में फिर विचार करते रहे, इन विचारों को छोड़ा नहीं जाए, नहीं तो इतना समय आपने दिया उसका फायदा जीवन में हमें क्या मिला? वह लाभ अपने जीवन में भी कायम रहे और हमारे आपके द्वारा औरों को मिलता जाए, उसके लिए अगर इन्हीं बातों को आप याद रखते हुए फिर से अपने में दोहराते रहो और ये शक्ति स्वयं में बढ़ती जाए, जैसे यहाँ 3 दिन रह कर के आपने इसको महसूस किया है, वैसे अगर आप रोज़ केवल 1 घंटा न दे सकें तो आधा घंटा, वो ज़रा फिर से इन्हीं बातों को रिवाइज करते सुनो भी और कुछ कुछ अभ्यास करो भी। चलो अभ्यास के लिए आपको अधिक समय नहीं मिलता है, जब भी आप काम करते हो, जब अपने ऑफिस जाते हो, जब आप रास्ते से जा रहे हो, ये तो मन की बात है। मन हम कहाँ भी हैं, मन हम अपने सर्वशक्तिवान पिता के साथ लगा सकते हैं। यह बुद्धि योग जब हमें उसकी पहचान है अंदर में, उस बात को हम स्वीकार करते हैं, उस बात को हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं, अगर हम अपने मन से उन्हीं बातों का विचार करते रहेंगे, हमारे मन के अंदर वह शक्ति जागृत होती है जो हमारे मन को शुद्ध बना लेती है। शुद्ध विचार सत्यता की शक्ति जागृत करता है। शुद्ध विचार हमारे अंदर पवित्रता की शक्ति जागृत करता है और हम सब इस बात को मानते हैं। पवित्रता और सत्यता की शक्ति वो शक्ति है, भले पहले उसमें थोड़ा सहन करना पड़ता है, लेकिन वह सहन शक्ति स्वयं को पूजनीय बना लेती है। मिसाल देते हैं मूर्ति का, मूर्ति बनाते समय कितना मूर्ति को सहन करना पड़ता है, भले पत्थर है उसको पता नहीं है, लेकिन ये मिसाल दिया जाता है कि ठोक ठोक के उसको कैसा मूर्तिकार किस प्रकार उसको मूर्ति बना लेता है। जो मूर्तिकार लोगों को इतनी आकर्षण नहीं कर सकता, पर मूर्ति सबको आकर्षण करती है। उसका मंदिर बनाया जाता है, मंदिर को शुद्ध देवस्थान माना जाता है, हर एक जाता है, मस्तक झुकता है वहाँ, दिल से उनको नमन करते हैं। यह चैतन्य आत्माओं का यादगार है। यही हमारे भारत में पूज्य देवताएं मनुष्य रूप में थे, जिनको देवता कहा जाता था, मनुष्य नहीं कहा जाता था। रूप यही मनुष्य का है, हम सब का वही रूप है मनुष्य का। मनुष्य से देवता बनने का अभी ही समय है। मनुष्य को देवता बनाना सर्वशक्तिवान परमात्मा का ही कार्य है और वही कार्य अभी परमात्मा करा रहे हैं। जिसकी सूचना कहें अथवा आपको खबर दे रहे हैं, जो खबर केवल आप, मैं समझती हूँ, सुनते हुए इसको महसूस करते हो, अब उसका लाभ जितना आप स्वयं लेंगे, आपके द्वारा
सारे देश को और दुनिया को जैसे जैसे ये पता चलता जाएगा, आपसे उनका संपर्क होगा, आपसे उनको वो प्रतीत होगा जैसे आप यहाँ आए हैं, आपको महसूस होता है बरोबर ये स्थान आध्यात्मिक भूमि है। तो मैं तो कहेंगी आप वह भाग्यवान आत्माएं हैं जिन्होंने बिगर मेहनत के आपको बुलाया गया है भगवान के घर में। आओ भगवान के प्यारे बच्चे, फिर से आकर के अपने बाप से अपना वही ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर लो। अब ऐसे ही भाग्यवान आत्माएं जब भगवान ने आपको बुला करके अपने स्थान पर इसका अनुभव कराया है, तो मैं समझती हूँ आप अपने अंदर में यह थोड़ा सा फिर अपने संकल्प में यह दृढ़ता जागृत करो, हमें इस आध्यात्मिक शक्ति को ज़रूर अपने अंदर जागृत करना है। जैसे ही आपके जीवन में आध्यात्मिक शक्ति आती जाएंगी, आप स्वयं ही समझ सकेंगे कि इसके द्वारा यह आध्यात्मिक शक्ति हम देश के अंदर किस प्रकार से फैला सकते हैं, क्योंकि आप स्वयं सशक्तिकरण बन जाएंगे और आपके द्वारा वो शक्ति सर्व में फैलती जाएंगी। इन्हीं शुभ भावनाओं से जबकि आप यहाँ आए हैं, तकदीर का आपको मालूम पड़ गया, तकदीर बनाने के लिए स्वयं ही तदबीर करते हैं, क्योंकि हम चैतन्य शक्ति है। स्वयं को क्या करना है वो स्वयं के पास निर्णय कर सकते हैं, और जो निर्णय करेंगे हमारे कर्मों में उस निर्णय से शक्ति आ जाती है और हम करने को लग जाते हैं। तो हम तो यही कहेंगे आप अपने बाप के घर में आए हैं, बाप के ऊपर बच्चों का अधिकार है, बाप स्वयं आपको वह ईश्वरी शक्तियों का खजाना देने के लिए अपना भंडार खुला रखा है, जितना जो चाहे वो लेते जाए, जितना लेते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली देते ही जाएंगे, क्योंकि आपका प्रोफेशन ही देने का है। उसमें यह ईश्वरी शक्तियाँ बाप से लेकर के देते रहो, देते रहो, देते रहो। यही हमारी आप सबके प्रति शुभ भावना है। ओम शांति शांति। का सो अवसर प्रदान किया उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं बहन आशा जी, डॉक्टर महापात्रा जी और लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा जी, जो कि हाल ही में हमारे बीच से अपने गंतव्यों की यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए हैं, किंतु इससे पूर्व उन्होंने अपने बहुमूल्य विचारों से हमें आलोकित किया, उनके लिए भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं भ्राता विवेक जी, जिन्होंने कि अपने विद्वतापूर्ण कार्यशैली और शेर शायरी से हम सब का दिल बहलाया, उन सब के लिए, उनके लिए भी मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं आदरणीय राजयोगिनी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बहन गीता जी,
जिन्होंने कि इस मंच का कुशल संचालन किया, उनका मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सभा में उपस्थित लोकतंत्र के सशक्त माध्यम, लोकतंत्र की इमारत को बलशाली बनाने के लिए, उसके लिए एक सशक्त पिलर के रूप में जो हम सभी भाई बहनें विभिन्न प्रसार माध्यमों से जुड़े हुए होने के बावजूद, मुझे पता है क्योंकि ये मेरा दैनिक जीवन का एक क्रियाशील फील्ड है और उसमें कितनी व्यस्ततम जीवन शैली रहती है, लेकिन इस प्रकार की व्यस्ततम जीवन शैली के होते हुए भी आप लोगों ने यहाँ आकर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की कार्यशैली और उससे प्रशिक्षित सहज राजयोग और ईश्वरी ज्ञान के गहराई का अनुभव किया, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, उसके लिए मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इसके साथ साथ ही इस आयोजन को पिछले चार दिनों से जिन्होंने विभिन्न सत्रों, कार्यशालाओं और व्यक्तिगत तौर पर अपने प्राकथनों से अवगत कराया, उन सबको और उनके साथ साथ जिन्होंने परोक्ष और अपरोक्ष रूप से इस आयोजन को सफल बनाने में संकल्पित रहे, और उसके साथ साथ जिन्होंने इस आयोजन के लिए स्वयं के समय, शक्ति और संकल्पों का सहयोग दिया, उन सब का मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ मीडिया प्रभाग की ओर से। ओम शांति, धन्यवाद।